बिहार ही एक ऐसा राज्य है जो हम बड़े पैमाने पे सुखाड़ का भी मुआवजा देते हैं, डीजल अनुदान भी देते हैं, बड़े पैमाने पे हम सीड भी जो है किसानों को देते हैं। और बहुत खुशी की बात है कि आने वाला समय बिहार जो है सीड हब के रूप में जाना जाएगा। हम तो नरेंद्र मोदी की पार्टी में है नहीं कि हम परिपाटी बदलेंगे। संसद भवन का उद्घाटन करना था राष्ट्रपति को, वो खुद कर रहे हैं। बिहार सरकार ने खरीफ महाअभियान की शुरुआत की है और ये कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक विभाग की योजनाएं पहुंचे, उसकी जानकारी पहुंचे। हमारे साथ बिहार सरकार के कृषि मंत्री हैं कुमार सरबजीत, उनसे जान लेते हैं। सर, ये जो अभियान शुरू हो रहा है इसको लेकर के आप लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पर तैयारी की है और आज भी बैठक हो रही है। लगातार हमारी कोशिश है कि हमारा जो विभाग है वो किसानों तक पहुँचे, और चूंकि चौथी कृषि रोड मैप बनी है और उसमें हम लोगों ने उम्मीद रखा है कि बिहार के किसान खुशहाल होंगे, और इसी खुशहाली को लेकर के हम लोगों ने गया में बहुत जल्द जो है हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का शिलान्यास करने वाले हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय बिहार के मुख्यमंत्री, ये सब हम लोग जाएंगे, जा करके वहाँ हिंदुस्तान का सबसे बढ़िया मिलेट्स का जो है हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने जा रहे हैं। ऐसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस देश में नहीं है कहीं पे। और पान का भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना है, हनी का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना है, मखाना का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना है, चाय के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना है। ये सब हम लोग काम कर रहे हैं, और किसानों को हम चाहते हैं कि बिहार में हमारे किसान जो है मोटे अनाज पर ज़्यादा ध्यान दें। और चूंकि मोटी अनाज जो है मिलेट्स जिसको बोलते हैं वो विलुप्त होता जा रहा है, तो हमारा फोकस है चूंकि उससे आमदनी बढ़ेगी किसानों का। खरीफ फसल का हम लोगों ने रथ की शुरुआत किया है, ये हमेशा से ये होते आया है। किसानों को हम लोग जो है बताते हैं कि आपको कैसे खेती करनी है, समय पे हमारा बीज पहुँचे, और बीज का भी हमने इस बार किया है कि जो सीड हम बांटते हैं पहले आओ पहले पाओ, इसमें जो है हम डोर डिलीवरी का प्रयास कर रहे हैं, ताकि कहीं पे अगर लीकेज रहती है तो डोर डिलीवरी से जो है हमारा ये लीकेज जो है वो समाप्त होने के कगार पे पहुँचेगा। और आज भी उसी के लिए पूरे बिहार से अधिकारियों को हम लोगों ने बुलाया है, और चौथी कृषि रोड मैप का मार्गदर्शन हम लोग देंगे, किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा कैसे हो उसके लिए आज जो है अधिकारियों को हम प्रशिक्षित करेंगे, लोगों को बताएंगे कि आपको किसानों से कैसे बात करनी है। और बहुत सारा चीज़ हमने लाया है, अभी आप देखे होंगे नलकूप जो है हम खेती करने के लिए किसानों को देते हैं, तो मैंने जो उसको स्टडी किया उसमें बड़े किसान इसके ज़्यादा फायदा ले रहे थे, हमने उसको रिजर्वेशन कर दिया है। उसमें दलित, महादलित, अति पिछड़ा, पिछड़ा, इनके लिए अलग से पैकेज करेंगे हम। GST देना पड़ता था, उसको भी हमने कहा है कि अब आपके किसानों का जो गरीब है, दलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा, इनका GST भी जो है वो अब सरकार ही पे करेगी। तो इस तरह की पॉलिसी हम लोग लाए हैं, और सबको पता है कि बिहार ही एक ऐसा राज्य है जो हम बड़े पैमाने पे सुखाड़ का भी मुआवजा देते हैं, डीजल अनुदान भी देते हैं, बड़े पैमाने पे हम सीड भी जो है किसानों को देते हैं। और बहुत खुशी की बात है कि आने वाला समय बिहार जो है सीड हब के रूप में जाना जाएगा। हमारी जो ज़मीनें हैं एग्रीकल्चर का, हम उसको PPP मोड पे जो है बड़ी बड़ी कंपनियां, बिहार के बड़े किसान जो इसमें महारत हासिल रखते हैं, सबको हम लीज पे वो जमीन देंगे ताकि सीड का उत्पादन कर सकें। है कि आपकी बैठक भी हुई, मुख्यमंत्री भी थे साथ में, कृषि सलाहकार भी थे साथ में, एक कृषि रोड मैप, चतुर्थ कृषि रोड मैप कब से लागू होगा ये उत्सुकता सबके जहन में है। लागू हो गया, चौथी कृषि रोड मैप जो है कैबिनेट से आने के बाद लागू हो गया, और लागू अगर नहीं होता तो मैं अधिकारियों को क्यों बुलाता। चौथी कृषि रोड मैप लागू हो गया, और गया में जो शिलान्यास होगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का, ये बिहार के लिए अजूबा होगा, और वहीं से माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पूरे बिहार के किसानों को संदेश देंगे, चूंकि वो मगध की धरती है, भगवान बुद्ध की धरती है और विष्णु की धरती है, सबको पता है देश की हालात। और मेरी इच्छा थी कि माननीय मुख्यमंत्री बोध गया के पवित्र धरती से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का शिलान्यास करके देश में शांति का संदेश भेजेंगे। एक चीज़ और है कि क्योंकि जो इतिहास रहा है कि जब कृषि रोड मैप लागू होता है तो राष्ट्र महामहिम राष्ट्रपति को बुलाया जाता था, भव्य कार्यक्रम होता था, तो क्या वो परिपाटी बदल गई? हम तो नरेंद्र मोदी की पार्टी में है नहीं कि हम परिपाटी बदलेंगे।
संसद भवन का उद्घाटन करना था राष्ट्रपति को, वो खुद कर रहे हैं। जो परिपाटी है वो चलेगी, समय हम लोगों ने मांग रखा है, समय मिलेगा, आएंगे, उसका फंक्शन होगा। लेकिन समय में अगर देरी होगी तो उसका खामियाजा किसान क्यों भुगतेंगे? हम किसान के लिए काम शुरू कर दिए। जब महामहिम राष्ट्रपति महोदया को वहाँ से समय आ जाएगा तो हम लोग करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। कृषि मंत्री थे और बता रहे थे कि किस तरह से चतुर्थ कृषि रोड मैप को लागू करने के लिए अधिकारियों के साथ मीटिंग की जा रही है और ये कोशिश की जा रही है कि चतुर्थ कृषि रोड मैप का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को मिल सके। कैमरामैन फिरोज के साथ आशुतोष चंद्र, न्यूज़ पटना।